मुझे अपने मिसमी समाज को संबोधित करने के लिए मौका मिला और मैं दिल में बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल का सच्चा भी हूँ, अच्छा भी लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से ईटानगर पर भी हम लोगों ने रे ताम मनाया था, आज इतना भव्य तरीका से यहाँ तामलाडू मना रहा है। बहुत लोग शायद मुझे मिला नहीं होंगे, बहुत ही कम आपके समक्ष आने के लिए, आपको संबोधित करने के लिए मौका मिला। आज ऐसे लगा कि वनवास से वापस आ चुका हूँ। और समाज का खूबी यही होता है कि आप जितने भी दूर जाओ, दिल का इतना ही करीब होता है। अपना लोगों को माइल्स आर नॉट द कंसर्न्स, इट इज द हार्ट दैट मैटर्स। इसके लिए सभी को फिर से, जितने भी लोहित के निवासी, अंजाव के निवासी, सभी को रे तामलाडू उत्सव पर शुभकामनाएं, प्रेम भरे हमारी तरफ से। आपको पता है कि आपका और मेरा गहरा संबंध है, और ये केवल दोस्ती का संबंध नहीं, ये खून का संबंध होता है। मिसमी समाज, हम एक ही खून के हैं, हम एक ही खून के हैं, हम एक ही धागे से फिरोया गया है, और हम हमेशा एक दूसरे के लिए यहाँ जहाँ भी ज़रूरत होता है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए होने चाहिए। तो जब तामलाडू फेस्टिवल चल रहा था, मुझे हवाई जहाज जो गरज रहा है वो ये कह रहा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, कि मैं रोक रहा था कि मुझे तेजू वक्रो अंजाव में कब बुलाएंगे, क्योंकि अक्सर अभी न्योकुम होने जा रहा है, न्योकुम पर भी चार पांच जगह पे मुझे बुलाया है, जाने तो नहीं सकूंगा चार पांच जगह पर। मोपिन के लिए भी मुझे पहले से ही बोल चुका हूँ कि मोपिन पर वहाँ आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आने के लिए कब मौका मिलूंगा तरस रहा था। सुनपुरा वासियों को तहे दिल से धन्यवाद, बहुत प्यार सुनपुरा वासियों को, और खास तौर पे कमेटी और मेरे दोस्त महेश चाय जी को। देखिए, संक्षेप में मैं बात करूंगा, फेस्टिवल पे ज्यादा भाषणबाजी भी अच्छा नहीं होता, आपके भोजन के बीच मैं रुका हूँ, मेरा भाषण रुका है, तो मैं संक्षेप में जल्दी में खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए, आज की पूरा दृश्य बदल चुका है, नक्शा बदल चुका है, जब यहाँ आएंगे तो अभी कोई भी आएंगे तो, लेकिन मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ, शायद 20-26 साल पहले बहुत कम लोग हमारे मिसमी समाज के बारे जानते थे, बहुत कम लोग यहाँ आए भी थे। तो एक बार 20-30 साल पहले एक बार मेरा दोस्त पहले बार वो ईटानगर से रोहिंग आया, तेजू आया, और शायद अंजाव गया, वहाँ से जाके फिर वापस आके मुझे कहा कि अरे आपका जगह में तो हर कोई मुकुट मिठी और नुकुल चाय जैसे देखता है, बोलता है। तो एक जगह का पहचान जो होता है, जगह का जो पहचान होता है वो उसका संस्कृति और वहाँ के पर्सनैलिटी लोगों से पहचान होता है। और हमारे यहाँ से बहुत ही वरिष्ठ, सर्वोच्च स्थान तक पहुँचने वाला वरिष्ठ नेताओं मिला हमें। हमारा पिता तो था, अपने पिता के तो बात में नहीं कहूँगा, हमारे कली कपूर साहब भी था, हमारे नुकुल चाय साहब है, और बहुत सारे अन्य कपरिसो क्राउन अंकल कपरिसो थे। तो ये हमारे पहचान बन चुका था। जैसे मैंने कहा, जगह, रीति रिवाज और पर्सनालिटी एक नया अवतार धारण कर लेता है और उसका पहचान बन जाता है। आज अगर आप कोई भी दूसरे समाज के लोगों को अगर आप पूछेंगे कि मिसमी कैसे हैं, वो कहेंगे कि
मिस्मी जो ऐसे है कि बहुत भरोसा करता है अपने आप पर, वो सबसे एक ही सिद्धांतों के ऊपर चलता है, वो है आत्मसम्मान, डिग्निटी। पॉकेट में कुछ भी नहीं, लेकिन डिग्निटी सबसे इंपॉर्टेंट। और जीवन में तो वही होता है ना, डिग्निटी ही सबसे मायने रखता है। आज डिग्निटी के साथ साथ हमारे ऊपर, हमारे साथ, हमारे समाज में एक आत्मविश्वास भी उभर के निकलना है। जैसे मैंने जिक्र किया कि दृश्य पूरा बदल गया है, यातायात खुल गया है। आज आप गौर कीजिए, एहसास कीजिए, अगर आज आप ईटानगर से अगर आप हवाई जहाज से उड़ेंगे, अगर आप डिब्रूगढ़ उड़ेंगे, भाड़ा 800 रुपया। अगर आप टाटा सुमो से आएंगे ईटानगर, तेजू आएंगे 1500 रुपया। सब कुछ बदल चुका है, परिवर्तन हो रहा है। और हमारे कभी कभी मेरे दोस्त और मेरे अपने समाज के लोग पूछता है मुझे कि अपना टाइम कब आएगा। मैं आपको एहसास दिलाने चाहता हूं कि अपना टाइम आ चुका है। ये अपना टाइम को हम किस तरीका से इस्तेमाल करें, अपने समाज को आगे बढ़ाए, हमारे जो छात्रों है उसको क्या सलाह दे, ये जो आज हमारे जो मंच पे जो बहुत सारे लोगों ने कहा, ड्रग्स बहुत बड़े विषय है हमारे लिए, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शिक्षित हैं, शिक्षित होंगे, एरिया विकसित होंगे, तो हर चीज एक मिलजुल के चलता है। आज समय है कि हमारे मनोबल, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने हमारे लिए इतना काम किया, जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, उसको भी तो हमें कुछ वापस देना है। उसको क्या चाहिए? पैसा नहीं, शान और शौकत नहीं, वो चाहिए कि हमारा भविष्य उज्जवल बने और उनका नाम रोशन करे, ताकि ऊपर जाके उसके चेहरे पर एक मुस्कान आए। जिस तरह यहाँ जितने भी आए हुए हैं सबकी चेहरा पर एक मुस्कान है, वही तो चाहिए एक समाज को। और इसी समाज, इसी लक्ष्य लेके हम लोग आगे बढ़ना है। आज मैं आपको ये भी एहसास दिलाने चाहता हूँ कि आपको लगेंगे कि हमारा संख्या बहुत कम है, आपको लगेंगे निस्वी के 3 अंग है, छोटी सी संख्या है, लेकिन आपको एहसास भी होना है हमारे कम संख्या से भी हम क्यों प्रगति की तरफ मोड़ रहा है, जा रहा है। सबसे पहले बात यह है कि संविधान के तहत हमें बचाए के रखा, संविधान ने हमें दर्जा दिया। एक जगह जहां संविधान ने हमें दर्जा दिया, फूलो फरो आगे बढ़ो। दूसरी तरफ कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि हम भी अपने आप को मिटाने के लिए लगा हुआ है। संविधान ने दर्जा दिया, आपको बचाई के रखा, दूसरी तरफ ड्रग के जरिए हम अपने आप को मिटा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी संदेश है जो हमें पहुंचाना है, केवल सीमित हमारे सुनपुरा पर नहीं, तेजू पर नहीं, रोइंग पर नहीं, अंजाव पर नहीं, और पूरी प्रदेश पे ये संदेश हमें पहुंचाना है। और फेस्टिवल उत्सव यही समय होता है, मौका होता है जब संबोधित करने के लिए आदमी को मौका मिलता है। आपको भी दिखाने के लिए हमारे अतीत, हमारे जो संस्कृति सभ्यता जो है, डिस्प्ले करने के लिए, लोगों को दर्शाने के लिए यही तो मौका होता है। तो मैं आज सभी से यही चाहूँगा कि मिलकर दिल थाम कर हम एक संकल्प लें कि ड्रग्स हम अपने बच्चों के भविष्य का जो बिगाड़ रहा है, ड्रग्स का सेवन उसको रोक करने के लिए कम्युनिटी, प्रशासन और पुलिस को हम सहयोग करेंगे। इस संकल्प में आप साथ देंगे ना, माताओं पिताओं खास तौर पे। वैसे जैसे मैं कहा कि
आज जो बच्चों लोग यहाँ जो फैशन शो किया था, इतना प्यारा बच्चा लोग था, देख के दिल पिघल जाता है। ऐसे बच्चा का भविष्य क्या क्या हम बिगाड़ेंगे? कभी नहीं बिगाड़ेंगे। तो इसलिए जहाँ भी हो, मैं भाषण तो बहुत देता हूँ, जहाँ भी हो शिक्षा का ऊपर आप बहुत ध्यान दीजिए। जो पब्लिक स्कूल्स होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स होता है, उसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। मैं भी बहुत गलतियां करता हूँ, मैं कहता तो हूँ, लेकिन क्या होता है कि कंपल्शन की वजह से बहुत सारी जगह पे क्षेत्र पे हमें जो अपने फंड छोटी मोटी जो फंड होता है हमारे पास, वो निधि को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन शिक्षा के ऊपर हम थोड़ी सी कमजोर है, और ये कमजोर नेता का वजह से नहीं है, ये कमजोरी जनता का वजह से है। जनता मांगेंगे कि स्कूल अच्छे करो, व्यवस्था ठीक करो, सब कुछ अच्छा करो, तो नेता को तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे 5 साल के बाद तो वापस नहीं आएंगे वो, तो वो उसका दायित्व भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, खास तौर पे जिम्मेदारी समाज का भी होता है। तो इस ढंग से अगर हम बढ़ेंगे, हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारे परचम लहराने के लिए कोई हमें नहीं रोक सकते हैं। आज पूरी लोही क्षेत्र बदल चुका है, सबके सहयोग से रोइंग बदल चुका है, एयरपोर्ट, हर चीज की सुविधा आपके पास है। अगर आप गीत गाएंगे तो पूरी दुनिया देखेंगे, आपके मोबाइल टेक्नोलॉजी आपके हार्ट में है। अगर आपका पास टैलेंट है, आपको कोई नहीं रुका सकता है। मैं तो कभी कभी देखता हूं कि मैं सोशल मीडिया पर नौटंकी करने से बहुत सारे लोग और पसंद करता है, अच्छी बात करने से बहुत सारे कम लोग इसके ऊपर कमेंट करता है, लेकिन नौटंकी के ऊपर बहुत कमेंट करता है। नौटंकी के साथ साथ हमें अपने जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको भी ऊपर हमें ध्यान रखना है। आज आप लोगों को ज्यादा ही प्रवचन तो दे दिया, इतना बुजुर्ग यहाँ बैठा हुआ है, बाद में घर में जाके कहेंगे कि ये जवान छोरा कहाँ से है, इतना भाषण इतना बुजुर्ग लोग को दे रहा है। लेकिन मैंने सीखा है आप लोगों से, नकुल अंकल आप लोगों से सीखा है मैंने ये सब चीज। आपके नाम मैं बरकरार रखूंगा, समाज के नाम मैं बरकरार रखने के लिए कोशिश करूंगा, केवल समय समय पर आपके आशीर्वाद मुझे चाहिए। और आशीर्वाद तो आप जरूर देंगे ही देंगे ना, आप जरूर आशीर्वाद दीजिए, केवल मुझे नहीं, जितने भी यहाँ आपके प्रतिनिधि हैं उनको, यहाँ पे मोहन चाई जी है उनको, हर किसी को आप आशीर्वाद दीजिए, साथ डांटिए भी कि अच्छा काम करना है, भविष्य में ठीक करना है।